मेरे बच्चा रो तो नहीं रहा होगा, मेरे बच्चे को दर्द तो नहीं हो रहा होगा, जितना भी दर्द है ना जैद का सब मुझे मिल जाए और मेरे बच्चे को ना मिले अब कभी भी दर्द। बेटी जैद की क्रिटिकल कंडीशन को लेकर फूट फूट कर रोती नजर आई हैं कृतिका मलिक। सोशल मीडिया पर कृतिका ने एक ऐसा वीडियो अपलोड किया है जिसे देखने के बाद फैंस भी रो पड़े हैं। कृतिका अपने बेटे जैद की तबीयत को लेकर बेहद परेशान नजर आई हैं। कृतिका ने इस वीडियो में बताया कि उनका बेटा अभी बहुत छोटा है और इतना छोटा सा बेटा इतना ज्यादा दर्द झेल रहा है। एक माँ के लिए ये कितना ज्यादा दर्दनाक है ये बात सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। कृतिका का ये रोता हुआ वीडियो देखने के बाद फैंस की भी आंखों में आंसू आ गए हैं। हर कोई सिर्फ और सिर्फ जैद की सलामती की दुआएं कर रहा है। लोगों का कहना है कि अभी जैद सिर्फ 4 महीने का है और 4 महीने के बच्चे की इतनी बड़ी सर्जरी हुई है, आप सोचिए छोटा सा जैद कितने दर्द से गुजर रहा होगा। कृतिका मलिक ने नया वीडियो अपलोड किया है जिसमें वो ये कहती नजर आई हैं कि अभी वो सिर्फ 30 साल की हैं और उन्होंने इन 30 सालों में कभी कोई बड़ी सर्जरी नहीं झेली। हाँ, जब उनकी डिलीवरी हुई, जब उनकी सर्जरी हुई उस टाइम पर भले ही उन्होंने दर्द झेला हो, अब जब इतनी बड़ी औरत ने इतना दर्द झेला हो सर्जरी का, तो आप सोच सकते हैं कि 4 महीने का जैद कितने दर्द से गुजरा होगा। एक माँ के दिल पर क्या बीती होगी उस टाइम पर जब उनका 4 महीने का बेटा ऑपरेशन थिएटर में जा रहा था। कृतिका मलिक इस वीडियो में कहती नजर आई कि एक छोटा सा बच्चा जिस दर्द से गुजर रहा है, कभी कोई बच्चा इस दर्द से ना गुजरे। कृतिका मलिक का बेटा है जैद मलिक और ऐसे में हाल ही में उसकी सर्जरी हुई है, उसको इन्फेक्शन हो गया था जिसके बाद अरमान, कृतिका और पायल उसे हॉस्पिटल लेकर गए। दिक्कत तो तब हो गई जब डॉक्टर्स ने जैद को देखा और पायल, कृतिका, अरमान को ये तक कह दिया कि आप सभी स्ट्रांग बने रहिए क्योंकि किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। अब जब एक माँ के सामने डॉक्टर्स उसके बच्चे को लेकर इतनी बड़ी बात कह देंगे तो आप सोच सकते हैं कि एक माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी। जैद की हालत इतनी ज्यादा क्रिटिकल थी कि यकीन मानिए डॉक्टर्स ने जैद को जवाब दे दिया था और इसके साथ ही 72 घंटे का टाइम भी मांगा था ऑपरेशन के बाद। अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, अभी भी जैद मलिक जो है वो हॉस्पिटल में है, डॉक्टर्स की देखरेख में है, लेकिन अभी भी डॉक्टर्स कुछ कहने को तैयार नहीं है। हालांकि डॉक्टर्स की तरफ से ये जरूर आ चुका है कि पहले से जैद थोड़ा सा बेहतर है लेकिन अभी भी टाइम लगेगा, कुछ नहीं कह सकते हैं। एक माँ बार बार हॉस्पिटल जाने के लिए, अपने बच्चे को देखने के लिए, उसे छूने के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, रो रही है, लेकिन इन्फेक्शन की वजह से डॉक्टर्स ने पायल, कृतिका, अरमान तीनों को स्ट्रिक्टली मना किया है कि आप बच्चे को सिर्फ देख सकते हैं दूर से बैठकर, लेकिन आप उसे टच नहीं कर सकते हैं। कृतिका मलिक जो कि जैद की माँ है, आप सोचिए कि जिस बच्चे को उन्होंने जन्म दिया, डेली फीड कराया, आज वो अपने बच्चे को छू भी नहीं सकती हैं और वजह है इन्फेक्शन। अगर जैद को फिर से कोई इन्फेक्शन लगता है तो डॉक्टर्स का यही कहना है कि बहुत मुश्किल हो जाएगी आगे के लिए, तो आप अभी जैद से दूरी बनाकर रखिए। सोशल मीडिया पर लोग मलिक फैमिली को बहुत ज़्यादा सांत्वना दे रहे हैं, उन्हें बोल रहे हैं कि आपके जैद को कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत होइए, लेकिन एक माँ के दिल को कौन समझाए। कृतिका तो बस यही चाहती हैं कि उनका छोटा सा बेटा जल्दी से ठीक होकर अपने घर पर वापस आ जाए, क्योंकि जैद को देखे बिना, उसे हाथ लगाए बिना, उसे प्यार करे बिना कृतिका बिल्कुल भी रह नहीं पा रही हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल नज़र आ रही हैं। कृतिका के इस नए वीडियो पर क्या कहना चाहते हैं आप, क्या आप भी जैद के लिए कुछ कहना चाहते हैं? जो भी जैद के लिए आपकी राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।